नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव। मैं समिता सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड फीस रीडर, आप सबको फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल निम्रो ऑन में। दोस्तों, आज मैं आप सबसे डिस्कस करूंगी 81 सीरीज में मूलांक 3 और भाग्यांक 8 के बारे में। कैसे होते हैं लोग, इनका क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होता है, इन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इनके ग्रोथ के लिए क्या सही है, कौन सा डे इनके लिए लकी है, कौन सा डे अनलकी है, कौन सा कलर लकी है, कौन सा कलर अनलकी है, इन सब विषयों पे डिस्कस करूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी, तो जुड़े रहिए। किनका होता है मूलांक 3? दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21 और 30 तो उनका मूलांक हो गया 3। और डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर को कैलकुलेट करके जो सम टोटल आता है उसे हम 1 डिजिट पे लाते हैं। अगर 8 आ रहा है हम उसे भाग्यांक कहेंगे। दोस्तों, नंबर थ्री जाना जाता है नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, ऑनेस्टी के लिए। दोस्तों, नंबर 8 जिसका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न यानी कि शनि, ये जाने जाते हैं हार्ड वर्क के लिए, न्याय के लिए, पनिशमेंट के लिए। दोस्तों, अगर नंबर 3 और नंबर 8 साथ में है तो ये पर्सन कैसे होंगे, ये बहुत लॉजिकल पर्सन होंगे। इनका इंट्यूशन पावर काफी हाई होगा क्योंकि नंबर 3 है साथ में, साथ में ये लेबोरियस भी होते हैं, लेकिन नंबर 3 है तो थोड़ा लेजीनेस भी शो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये अपनी लेजीनेस को छोड़ करके हार्ड वर्क करें तो इन्हें लाइफ में वो ऊंचाई मिलती है जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए और हार्ड वर्क करते जाइए। नंबर 8 है साथ में तो हो सकता है कि इनिशियल कंडीशन में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि सैटर्न स्ट्रगल के लिए भी जाना जाता है। जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप में वो पावर होती है कि आप अगर अकेले चले किसी रास्ते से तो आप वो चीज अचीव कर सकते हैं जो बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि आपका विजन बहुत क्लियर होता है, आप लेबोरियस भी होते हैं, आपका लॉजिकल माइंड भी है। दोस्तों, ऋषि सुनक, उनका भी मूलांक 3 और भाग्यांक 8 है। काफी हार्ड वर्क के बदौलत वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दोस्तों, आप में ऑनेस्टी भी बहुत होती है, आपको हर चीज बर्दाश्त हो जाएगा, आपको कोई थप्पड़ मार दे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपको आपके साथ कोई झूठ बोले, आपके साथ कोई छल करे तो आप उसको सहन नहीं कर पाते हैं। आपसे कुछ मांग ले, आप बहुत दानी पर्सन है, आप दे देंगे, लेकिन आपसे कोई झूठ बोल दे, आपके साथ कोई धोखा कर दे, आप उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत हाई है, आप अपने इंट्यूशन को पहचानिए, अपने इंट्यूशन को पहचान करके प्लानिंग्स कीजिए और आप अपने प्लानिंग्स पे टिके रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप एक ऐसे ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोस्तों, ये लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। दोस्तों, अगर किसी का भी मूलांक 3 और भाग्यांक 8 है तो हार्ड वर्क तो कराएगा। दोस्तों, सैटर्न जाने जाते हैं न्याय के लिए। अगर कोई भी पर्सन जो 8 से रूल हो रहा है, अगर वो गलत काम करेगा तो सजा भी उसी हिसाब से मिलती है, फिर लाइफ तो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आप अपने कर्म को सुधारें, सही डायरेक्शन में चले, आप बहुत ग्रोथ पाएंगे। कभी कभी ऐसा देखेंगे कि आप कभी बैठे हुए हैं एकांत में, अकेले में, और इमेजिनेशन ज्यादा करने लगते हैं क्योंकि नंबर 3 इमेजिनेशन के लिए भी जाना जाता है। आप मेडिटेशन कीजिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने इंटेलेक्ट को और हाई कर सकते हैं। आप बिना लॉजिक के किसी बात को तो समझते नहीं है, मानते नहीं है, क्योंकि नंबर 8 है साथ में। नंबर 8 को लॉजिक चाहिए ही चाहिए, किसी भी काम को करने से पहले उन्हें पूछना होता है कि आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है। आप बहुत मैनेजेबल पर्सन होते हैं, आप कोशिश करते हैं मैनेज करने की और अच्छे से कर भी लेते हैं। दोस्तों, नंबर 3 साथ में है तो आपको ज्ञान की भूख होती है और वो भी ज्ञान आपको लॉजिक के साथ चाहिए। आप कहीं से भी कनेक्ट होने की अगर कोशिश करते हैं तो वहां से आप नॉलेज जरूर लेने की कोशिश करते हैं, आपको नॉलेज चाहिए ही चाहिए। और
आप नॉलेज देना भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आप सही से प्लानिंग करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो दोस्तों आप बहुत बढ़िया कर लेंगे लाइफ में। लेकिन आपकी एक और भी आदत है कि आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं। किसी एक चीज पे फोकस कीजिए और उस चीज में आगे बढ़िए। दोस्तों, अगर कोई गलत काम आप करते हैं तो हो सकता है कि लीगल इश्यूज में आप फंस जाए, तो इन सब चीजों से बचिए। अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं अब्रॉड जाकर के तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप अच्छे काउंसलर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। आप आईटी क्षेत्र में चले जाइए, बहुत अच्छा करेंगे। आप एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। आप एक क्रिएटिव पर्सन है, आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करेंगे। आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। जो आपके लिए अवॉइडेबल वर्क है वो है फायर रिलेटेड वर्क एंड लग्जरियस आइटम से रिलेटेड वर्क। आप इसको नहीं करें नहीं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आपके लिए जो लकी नंबर है वो है 3, 5 एंड 7, और आपके लिए जो अनलकी नंबर है वो है 1, 2, 4, 6, 8 एंड 9। तो इन चीजों को अवॉइड करें। दोस्तों, आप अपने मोबाइल नंबर को ठीक करें, अपने सिग्नेचर को ठीक करें और अपने नेम को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिंक करें। आपके लिए जो लकी कलर है वो है येलो, ग्रीन एंड लाइट कलर, और आपके लिए जो अवॉइडेबल कलर है वो है रेड, डार्क ब्लू, ब्लैक एंड प्योर व्हाइट। ऑफ व्हाइट को भी अवॉइड करना है। आपके लिए जो लकी डेज है वो है वेंसडे, थर्सडे। दोस्तों, अगर आपके लाइफ में हर्डल, परेशानियाँ, बहुत सारी चीजें आ रही हैं तो आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप जीवन में आगे बढ़े, या मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से मिलती हूँ नए नॉलेज के साथ नए वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव। टेक केयर।